जय श्री सीताराम। शुक्र महाराज माँ लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सिंह राशि सूर्य देवता की राशि में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी उठापटक वाली जिगजैग उतार चढ़ाव वाली चाल अभी शुक्र महाराज चलने वाले हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। 6 जुलाई 2023 को शुक्र महाराज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 6 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक इन्होंने शुक्र महाराज ने सिंह राशि में ही रहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 6 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त इस बीच में एक तारीख आएगी 23 जुलाई और 23 जुलाई को शुक्र महाराज हो जाएंगे वक्री। ऑब्वियसली 23 जुलाई के बाद भी सिंह राशि में रहेंगे 7 अगस्त तक, लेकिन वक्री रहेंगे 23 जुलाई से 7 अगस्त तक। और फिर पता है क्या होगा, 7 अगस्त को वापस से उस जगह आ जाएंगे जहां से ये बढ़े थे, कहने का मतलब कर्क राशि में। तो हाल फिलहाल में कर्क राशि में है, 6 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे, 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, 7 अगस्त को ये फिर से कर्क राशि में एक राशि पीछे आ जाएंगे वक्री रहते रहते। उसके बाद फिर और मार्गी होंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम बात क्या कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 6 जुलाई से लेकर के ये जो 23 जुलाई तक का वक्त है, या फिर ये कहें कि शुक्र महाराज का सिंह राशि में परिवर्तन, सिंह राशि में प्रवेश, और उसी प्रवेश के साथ साथ मार्गी रहना, ये जो राशि परिवर्तन है 6 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का, ये आप सभी के लिए क्या कैसा होगा, क्या फल लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब वक्री होंगे ना 23 तारीख को, उसका क्या प्रभाव होगा वो अलग से हम समझेंगे, 23 जुलाई से 7 अगस्त, फिर 7 अगस्त के बाद और क्या प्रभाव होगा वो अलग वीडियो में समझेंगे, है ना, टुकड़ों टुकड़ों में समझेंगे, एक साथ नहीं बात करते उनकी। तो अब ये आप समझ गए कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, है ना, आज का राशि, ये जो राशि फल है ये किस बात पर आधारित है। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, राशि परिवर्तन का असर बताता हूँ। अब शुक्र महाराज जो है ना, इनको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मतलब मेरे पास अधिकतर लोग तो बस यही बात करने आते हैं शादी के पहले, या बच्चे नए बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता आ जाते हैं, अरे सर शुक्र अस्त है, हमने सुना है कि शुक्र अस्त होता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, धन नहीं होता, पैसा नहीं होता। भाई वैवाहिक जीवन, धन, पैसा, यही तो मुख्य है जीवन में। तो बड़े बड़े कॉन्शियस होते हैं लोग ना शुक्र को लेकर के। तो बिल्कुल मैं आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आप जो सोच रहे हैं, है ना, आप जिसके इंतजार में हैं, वो राशिफल मैं आपको देता हूँ। लेकिन मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल होते हैं सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। यदि आपको अपने बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर समझते हैं। तो पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, प्रेम प्रसंग बनेगा, प्रेम, नया प्रेम प्रसंग हो सकता है बने। हाँ, यदि आप कॉलेज में हैं, आप यदि आप विवाह के लायक हैं, है ना, और विवाह नहीं हुआ है, ऑब्वियसली विवाह के लायक है, तो प्रेम प्रसंग आपका बन सकता है, नए दोस्त भी बन सकते हैं और पति पत्नी के बीच की करीबी जो अटैचमेंट है वो भी बढ़ेगा, वो भी बनेगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में भटकाव होगा, ऑब्वियसली जब मन में वासना आ गई, मन में प्रेम आ गया, है ना, क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है ये कहीं यदि अटैच होगा तो इसका ये मतलब है कि ये कहीं से डीअटैच है। हाँ, मतलब मैं हाल फिलहाल में यदि स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ, बहुत मेरे मनपसंद भोजन कर रहा हूँ और बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है मुझे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं दूसरी चीजों से इस समय के लिए, भले ही इस समय के लिए, लेकिन डीअटैच हूँ।
प्रेम प्रसंग या फिर ये ऐसी चीजें होती हैं, दोस्ती यारी। अच्छा, जरूरी नहीं कि प्रेम प्रसंग में ही हो, यदि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपके दोस्तों से ज्यादा प्रभावित हों या फिर उनके साथ जाएं, आपके बच्चे बच्चों की राशि मेष है तो वो दोस्तों से ज्यादा प्रभावित हों, इन्फ्लुएंस हों, उनके साथ जाएं, घूमें फिरें और फिर कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति पैदा हो। और जब आप ये चूंकि ये जो इन्फ्लुएंस है ये लंबे वक्त के लिए चलता है, लंबे वक्त के लिए यदि आप इनसे अटैच रहेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजों से डिअटैच हो जाएंगे, वो चीज आपके लिए भटकाव की स्थिति पैदा कर सकती है। लेकिन लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो आय में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि के योग मुझे आपके दिखते हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जी हाँ, आपका भौतिक आपकी भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाई देखो, वृषभ राशि वालों की ही मतलब किसकी राशि है वृषभ भाई? वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र है, और शुक्र महाराज वैसे तो सिंह राशि में जा रहे हैं, लेकिन सिंह राशि को आप कम मत समझिए। सिंह राशि जो है वो सूर्य देवता की राशि है। सूर्य देवता कौन है? सूर्य देवता है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आत्म सम्मान। सूर्य महाराज आत्मा के कारक हैं। तो भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि तो मैंने कह दिया, लेकिन प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योग हैं। नौकरी लगने के योग भी हैं, ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग भी हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छा चले, आगे बढ़े, इसके योग भी हैं। तो बहुत अच्छा ये जो पीरियड है वृषभ राशि वालों के लिए, ये बहुत अच्छा पीरियड है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों के लिए ये वक्त शुक्र देवता का ये सिंह राशि में परिवर्तन, सिंह राशि में गोचर बहुत अच्छा समय लेकर के आया है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ तो बनेगी और बढ़ेगी। भाग दौड़ बनने वाली है, बनने वाली है। भाग दौड़ मतलब प्रेशर, वर्किंग लोड, ये भी आपका जो है बनने वाला है और बढ़ने वाला है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन एक बात ये भी मैं कहूंगा आपसे कि भाग्य का साथ भी आपको यहां पर मिलेगा। जी हाँ, भाग्य से साथ भी मिलेगा, भाग्य और ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा अच्छा होगा। क्या होता है ना कि हम कभी मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जिस समय हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस समय में निराशा आती है, निराशा आती है, हताशा आती है कि यार चीजें मिल नहीं रही है। लेकिन मान के चले वो 1 महीने का पीरियड है ना, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मान के चले 1 महीने का पीरियड है, तो शुरुआती 15 दिन, शुरुआती आधे महीना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, निराश हो रहे हैं। लेकिन वही उस मेहनत का आखिरी के 15 दिन या सेकेंड हाफ आपको जो है वो उतना रिटर्न दे दे, फिर क्या चाहिए? बस ये वही पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए, ये वही पीरियड है। ये ऐसा पीरियड है कि जो मेहनत का, हार्ड वर्क का, परिश्रम का, इसका जो सेकेंड हाफ है, यदि 6 जुलाई से 23 जुलाई इस समय को हम एक कर ले, तो इसका पहला आधा समय जो है वो परेशान करेगा, भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करेगा, और जो दूसरा आधा समय है वो रिटर्न्स देगा, वो चीज देगा जिसके लिए आप भाग रहे, दौड़ रहे, मेहनत कर रहे, तो भाग्य से साथ दिलाएगा। ये आपके पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन हर जगह हो सकता है, जिसके लिए आप लंबे वक्त से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो चीज आपको यहां पर मिले, ऐसे योग भी मुझे मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये समय बहुत मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, कुछ दिलवाने वाला है ये समय, कुछ दिलवाएगा, और निसंदेह फिर जब आपको मिलेगा तो इसको हम ये कहेंगे कि आपको सफलता मिली, आपका भाग्य ने आपको साथ दिया। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं।
कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखते हैं। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी। इसको ये कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आप जो भी करते हैं उसमें आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा उन्नत होंगे। यदि कहीं आप रिस्की निवेश करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आपके उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और आपकी राशि कर्क है, तो यहां पर आपके उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको कर्क राशि वालों, वाणी से लाभ मिलने वाला है। आप कुछ बोलें, आप कुछ बताएं, आप कुछ जताएं और उससे आपको लाभ मिले। तो देखो, लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं। आप धन का लाभ भी होता है, प्रतिष्ठा का लाभ भी होता है, लेकिन कई बार ये होता है ना कि कोई काम आपको करवाना जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपने बोला और समझाया, अपना पक्ष रखा और आपका काम हो गया। रिश्तों में दरार थी, आपने कुछ बोला और वो दरार भर गई, खत्म हो गई, है ना। तो बोलिए, सोच ऑब्वियसली प्लानिंग कीजिएगा, ऐसे बिना प्लानिंग के मत बोलिएगा, लेकिन बोलिए, वाणी से लाभ लीजिए। और खास तौर पर यदि आपका काम ही वाणी से लाभ का है, जैसे जो मार्केटिंग या सेल्स में होते हैं, या आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका काम ही वाणी का है, तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। भैया सिंह भाई, इसी राशि में तो शुक्र महाराज आ रहे हैं, तो इस राशि में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें मिले जुले रिजल्ट देंगे। शुरुआती फर्स्ट हाफ में जो है वो भगाएंगे, दौड़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, परिश्रम करवाएंगे। जी हाँ, फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा परेशान आपको कर सकते हैं, लेकिन लाभ भी देंगे, आय का लाभ देंगे, नौकरी नौकरी में उन्नति देंगे, सफलता देंगे। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग बनते हुए मुझे आपके लिए यहां पर नजर आते हैं, तो ये भी है। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, बिजनेस में आपको लाभ मिले, ऐसे योग भी हैं आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। तो उन्नति के योग हैं सिंह राशि वालों के लिए, मैं इतना कह सकता हूं कि उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं और सफलताओं के योग हैं। ये वक्त अच्छा है, बस शुरुआत में आपको परेशान कर सकता है, प्रेशर दे सकता है, वर्किंग लोड दे सकता है, लेकिन आगे चल के आपको बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है कि उपलब्धि भी देगा, सफलता भी देगा। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ, ये वक्त कन्या राशि वालों के लिए लाभ का वक्त है, उन्नति का वक्त है, सफलता का वक्त है। हाँ, स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप कुछ भी करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, प्रोफेशनल हो, आपका स्थानांतरण हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। हिडन एनिमीज भी कन्या राशि वालों, आपके हिडन एनिमीज बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ में, किसी पर भी विश्वास करने का ये वक्त नहीं है, मैं आपसे ये बता दूं, विश्वास करने का वक्त नहीं। अब देखो, धन में, आय में, इनकम में, पैसों में लाभ का समय है, उन्नति का समय है, लेकिन आपकी बात इधर की उधर लगा दी, कहीं मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया, तो फिर ये समस्या हो सकती है। तो इधर का उधर करते हैं ना, इसका सुन करके इसकी बात उसको कह दी, फिर उससे पता चल गया तो उसने आपसे फिर मतभेद, तो ऐसी स्थिति में मत फंसना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, चुगली करना, ऐसी स्थितियों में मत फंसना, मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं। ठीक है, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हुए मुझे इस समय आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए नजर आते हैं। ठीक है, कन्या के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, आय, इनकम में वृद्धि के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि का क्या मतलब है? प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब एक सिंपल सा ये है कि आप जिस जगह पर हैं वहां से आप आगे बढ़े। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, पता है जब आप नौकरी नहीं करते हैं, जब आप नौकरी करना शुरू कर देते हैं, तब देखिएगा लोगों को, आपको देखने का जो नजरिया है लोगों का, वो चेंज हो जाता है।
जब आप कुंवारे होते हैं और जब आपकी शादी हो जाती है तो लोगों का आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। जब आप एक क्लास में हैं और आपने आपके अच्छे अंक अच्छे नंबर आए हैं उस क्लास में और फिर आप आगे बढ़ गए हैं तो लोगों का तरीका चेंज हो जाता है आपसे बात करने का। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब यही होता है कि आपकी सफलता मिले, आप एक पद और ऊपर जाएं, और जब एक पद ऊपर जाते हैं तो आपसे लोग अलग तरह से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, उसी अदब से बात करने को ही प्रतिष्ठा बोलते हैं, कि आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका सम्मान हो। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं, आगे तुला राशि वालों के लिए आगे बढ़ने के योग। ये वक्त आपको और ज्यादा, तुला राशि वालों को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। हाँ, पीछे कहीं रुकावटें थी, कहीं परेशानियां थी, तो उन रुकावटों उन परेशानियों को खत्म करने वाला ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है तुला राशि वालों के लिए। तुला के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी के योग हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ सकते हैं बिजनेस में। आप बिजनेस को नई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। खास तौर पर ये वक्त ना नौकरी व्यवसाय प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स, मतलब जिसके लिए आप जाने जाते हैं, भाई मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं, तो या तो आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, या कहेंगे नौकरी करता हूँ, या कहेंगे ये बिजनेस करता हूँ, जो भी है, तो आप जिसके लिए जाने जाते हैं उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखना कि गुस्सा चीड़ क्रोध मतभेद आर्ग्यूमेंट्स ये स्थितियां ज्यादा पैदा होंगी, इन इन चीजों से बचकर रहना है। मतभेद हो, आपकी बातों को ना समझा जाए या गलत समझा जाए, ऐसा भी हो सकता है, इस बात से भी बचकर रहना है। ठीक है, ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि धनु को धन का लाभ है, धनु को धन का लाभ है, तो मतलब आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न चाहते हैं, बिल्कुल दिखता है ये समय, दिखता है। हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि शत्रु भय हो सकता है, या फिर हिडन एनिमीज हो सकते हैं, या डायरेक्ट एनिमीज हो सकते हैं, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, गुप्त शत्रु बन सकते हैं, तो हर किसी पर विश्वास करने की जरूरत इस समय नहीं है। मैं धनु राशि वालों को ये जरूर कहूंगा। हालांकि आपका जो अपना परिवार है, माता पिता भाई बहन बच्चे, ये जो आपका जो अपना खुद का परिवार है, यहाँ पर मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि आप ये इन इन इनके साथ प्रेम, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति यहाँ पर बनेगी, मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, मन आप सोचे विचारे ज्यादा चीजों को लेकर के, आप जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, हाँ, जब आपके मन में ज्यादा विचार चलते हैं, जब आपके मन में ज्यादा आप तनाव हो, ऐसी स्थिति ये समय बन सकती है, और आपकी वाणी को गलत लिया जाए, आप बोले कुछ समझा कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो बोलने में सतर्क रहें, जहां बोलना है बोलिए, नहीं बोलना है ना बिल्कुल शांत रहिए, फिजूल में कहीं बीच में मत बोलिए, ये तो आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली आय इनकम पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रैक्टिकली स्थिति अच्छी, हाँ ठीक है, बहुत प्रोग्रेस नहीं है लेकिन डाउनफॉल है प्रैक्टिकली, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य को लेकर के चिंताएं रहें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतभेदों से जरूर बचिएगा। मकर के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि विवाह के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। विवाह आपका हो, ये बहुत अच्छी बात है,
मित्र बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी हो सकता है। विवाह तय हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग में आ पाए, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर से, एक मुख्य बात बता रहा हूँ, आपके जो पार्टनर है उनसे आपको लाभ मिले, चाहे बिजनेस पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, इनसे आपको लाभ मिले। तो इनसे सलाह ले, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं सलाह लेकर काम करें, खासतौर पर अपने पार्टनर से सलाह लेकर काम करें, उस कार्य में आपको जरूर उन्नति मिलेगी। देखिएगा, अपने पार्टनर से सलाह लीजिए, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा मित्र है उससे भी सलाह ले सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड जिसको हम कहते हैं, है ना। हालांकि आय, इनकम या आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों देखो, दो तीन चीजें यहां पर होने वाली, धन का लाभ होगा, आय इनकम पैसों में बढ़ोतरी होगी, नौकरी लगना चाहते हैं लगेगी, नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते होगा, बिजनेस बढ़ाना चाहते बढ़ेगा, शेयर मार्केट में लाभ चाहते होगा, लेकिन शत्रुता भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, हिडन एनिमीज बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है, इस चीज से बचकर रहिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, ये मैं खास बात बता रहा हूं। यदि कहीं इस बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको जरूर लाभ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, मीन राशि वालों के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बात की, यहां पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर शुक्र देवता जो माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं, उनका राशि परिवर्तन सिंह राशि में जो हो रहा है, खासतौर पर 6 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का जो समय है, जब जब शुक्र देवता मार्गी है, इसका क्या राशि फल होगा, क्या भविष्य फल होगा, यह मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।